तो स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है अमन सिंह। तो आज की वीडियो में हम AOC टूल को लाइव मार्केट में टेस्ट करने वाले हैं। हम देखेंगे ये कितना अच्छा वर्क करती है एंड इसकी एक्यूरेसी क्या है, साथ ही अगर ये वर्क नहीं कर पाती तो उसके पीछे का लॉजिक को भी हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज मार्केट अभी बहुत स्लो चल रही है। तो हम इसे बैंक निफ्टी में टेस्ट करेंगे क्योंकि उसमें हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थोड़ी जल्दी मिलने के चांसेस रहते हैं। तो हम आ चुके हैं मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पर। ज़ेरोधा का चार्ट मैंने ओपन करके रखा है, बैंक निफ्टी का ये चार्ट है एंड टाइम फ्रेम है 5 मिनट का। तो बैंक निफ्टी करंटली अभी 44,870 के आसपास चल रही है। तो हम AOC टूल पर आते हैं और सबसे नियरेस्ट जो स्ट्राइक प्राइस है 44,900 का, उस पर देखते हैं। तो सपोर्ट हमें जो दिख रहा है और रेजिस्टेंस जो दिख रहा है आप देख सकते हो। तो सपोर्ट हमें जो दिख रहा है वो है 44,832 का एंड रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है 44,930 का। तो सपोर्ट जो है हमारा वो करीब यहाँ से 50 पॉइंट नीचे का शो हो रहा है एंड जो हमारा रेजिस्टेंस है वो यहाँ से करीब लगभग 50 पॉइंट ही ऊपर का शो हो रहा है। तो 100 पॉइंट का हमें रेंज मिला है। तो जब तक ये हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आसपास नहीं आती तब तक हम वेट करते हैं, क्योंकि तभी हमें एक एंट्री का जो है अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो अभी जैसे बैंक निफ्टी 870 के आसपास चल रही है, अगर ये हमारे सपोर्ट लेवल यानी कि 832 के आसपास पहुंचती है तो हम कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाई करने के बारे में सोचेंगे, हम कौन साइड अपनी अपॉर्चुनिटी देखेंगे, क्योंकि ये हमें सपोर्ट बता रहा है। तो सपोर्ट अगर 830 के आसपास है तो वहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकती है, AOC जो टूल है हमें यही बताता है। तो वहाँ से हम कॉल बाय करने के बारे में सोचेंगे। तो हमारा जो सबसे नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस रहेगा वो रहेगा 800 का, यानी कि ATM हम उसे भी बाय कर सकते हैं, या फिर हम इन द मनी जा सकते हैं 700 का जो प्रीमियम है वो बाय कर सकते हैं 44,700। तो देखिए 44,800 का जो स्ट्राइक प्राइस है, जो हमारा ATM होगा उस वक्त जब मार्केट 44,830 के आसपास पहुंचेगी, उसका प्रीमियम अभी चल रहा है 202 रुपये के आसपास। अब जब आप इस पर क्लिक करो एंड जो आपने सपोर्ट वहाँ से कॉपी करा, हम लोग वहाँ से एक सपोर्ट कॉपी करा था 44,800 का, जब हम उसे यहाँ पर पेस्ट करते हैं तो देखिए ये हमें स्ट्राइक प्राइस बताता है कि 179 रुपीज़, यानी कि प्रीमियम लगभग 179 रुपीज़ के आसपास जब पहुँचेगी तो आप वहाँ पर बाय कर सकते हो। तो AOC टूल आपको एक तरह से ये बता रहा है कि जिस प्रीमियम का आप बाय करना चाहते हो वो जब आपके सपोर्ट लेवल के आसपास आएगा तो उसका प्राइस कितना चल रहा होगा, तो आप उस प्राइस पर जो है बाय करने की प्लानिंग कर सकते हो। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, आप सिर्फ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पर ही फोकस कीजिएगा। जो आपको स्ट्राइक प्राइस पर क्लिक करने से रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट मिलता है उस पर ही फोकस कीजिएगा एंड जब तक मार्केट उस लेवल के आसपास 5 पॉइंट ऊपर नीचे तक नहीं पहुंचती है तब तक आप बाय मत कीजिएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मार्केट को यहां से 1 घंटा लग जाता है आपके सपोर्ट लेवल तक पहुंचने में, तो जो आपका 179 का प्रीमियम है वो और कम हो जाएगा, उस वक्त आपको और कम पे वो मिल सकता है। तो अगर 179 सिर्फ आप फोकस करो कि 179 तक मार्केट पहुंचती है मैं उस टाइम ही बाय कर दूंगा, तो बहुत बार आपके सपोर्ट लेवल से ऊपर ही मार्केट रहेगा और आपको 179 का लेवल मिल जाएगा, मतलब वहां पर आप बाय कर पाओगे, लेकिन आपका सपोर्ट वहां से बहुत नीचे रहेगा। इसलिए आप सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ही फोकस कीजिएगा। तो हम वेट करते हैं, या तो मार्केट हमारा रेजिस्टेंस लेवल तक आती है या फिर हमारा सपोर्ट लेवल तक पहुंचती है, तो हम एक अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करेंगे। तब तक हम चार्ट पर देखते हैं कि और क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैंने देखा कि निफ्टी जो है वो हमें बहुत अच्छा एक क्लियर सिग्नल दे रहा है। आप देख सकते हो मेरा जो मूविंग एवरेज का जो स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंग देखिए ये 50 के मूविंग एवरेज को क्रॉस करके बंद हुई है ये कैंडल नीचे की तरफ ब्रेक करके, एंड सेकंड कैंडल तुरंत रिटेस्ट कर रही है। आप देख रहे हो यहाँ पर ये रिटेस्ट कर रही है और इसके नीचे जाने के अब चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि ये मेरी मूविंग एवरेज की स्ट्रेटजी का वीडियो कल आप लोगों ने देखा है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नीचे जाने के चांसेस बन रहे हैं। तो हम प्रीमियम के प्राइसेस पर चेंजेस देखते हैं कि वो अगर हमारे डायरेक्शन में मार्केट जाती तो कितने चेंजेस होते या फिर नहीं। तो यहां पर देखिए जो 19,500 का जो प्रीमियम है, पुट का प्रीमियम, उसका प्राइस 71 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। तो मैंने यहाँ पर एंट्री तो नहीं बनाई, बट मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ यहाँ पर ये स्क्रीन पर शो कर दिया कि 71 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। साथ ही 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी देखो आप, तो दो मूविंग एवरेज 50 का एंड 100 का मूविंग एवरेज बिल्कुल हमारे नीचे हमारे वेट कर रहा है, मार्केट वहाँ तक जा सकती है, क्योंकि उसके पहले कोई भी सपोर्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मुझे नहीं दिख रहा, तो मार्केट के वहाँ तक जाने के चांसेस बन रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, दो दो टाइम फ्रेम पर आपको सिग्नल मिल रहे थे डाउन ट्रेंड के लिए एंड मेरा मूविंग एवरेज वाला जो स्ट्रैटेजी है वो भी सिग्नल दे रहा था डाउन ट्रेंड के लिए, लेकिन मैंने यहाँ पर एंट्री बस इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि अभी 3 या 4 दिन पहले ही मेरा सेटलमेंट हुआ था, जो क्वार्टरली सेटलमेंट होता है ज़ेरोधा की तरफ से, हर एक ब्रोकर की तरफ से, तो वो सेटलमेंट हुआ था जिसके कारण मेरा फंड बिल्कुल जीरो हो चुका था। एंड 3-4 अकाउंट यूज़ करता हूँ तो किस पर कब सेटलमेंट हो जाता है एंड जीरो हो जाता है मुझे उतना ध्यान नहीं रह पाता, मेरी टीम इसे देख लेती है, बट पता नहीं उन्होंने भी क्यों फंड ऐड नहीं करा था अभी तक। सो इस पर बिल्कुल जीरो फंड था इसलिए मैं एंट्री नहीं बना पाया। एंड यहाँ देखिए मार्केट हमारे डायरेक्शन में धीरे धीरे बढ़ती जा रही है एंड हमारा जो 71 रुपीज़ का प्रीमियम था वो अभी 75 रुपीज़ के आसपास चल रहा है, यानी कि 4 रुपये का लगभग अभी हमें प्रॉफिट देखने को यहाँ पर मिल रहा है निफ्टी में।
बैंक निफ्टी जो है वो अभी भी 880 के आसपास ही चल रही है, तो हमें अभी भी उसमें कोई सिग्नल एक्टिवेट हमारा नहीं हुआ है, ना ही हमारा सपोर्ट पर मार्केट पहुंची है, ना ही हमारे रेजिस्टेंस पर मार्केट पहुंची है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जब हम 900 के प्रीमियम पर स्ट्राइक प्राइस पर क्लिक करते हैं तो हमारा सपोर्ट 851 शो हो रहा है, अभी थोड़ा बढ़ चुका है, एंड हमारा रेजिस्टेंस भी 946 के आसपास लगभग शो हो रहा है। तो एक टिप मैं आप लोगों को यही देना चाहूँगा कि मार्केट जब आपके सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के आसपास पहुंचे तो आप AOC टूल को जो है बार बार उसे चेक करते रहो, क्योंकि वहाँ पर वो बार बार चेंज होते रहते हैं, कभी 950 आपको दिखाएगा, कभी 940 हो जाएगा, 930 हो जाएगा, इस तरह से वो घटते बढ़ते रहता है। तो करंटली आप उसे जैसे ही मार्केट आपके लेवल के आसपास पहुंचे आप उसे चेक करते रहो। अब देखिए यहाँ निफ्टी हमारे डायरेक्शन में बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, एंड हमारा प्रीमियम जो 71 रुपीस का था 79 रुपीस तक पहुंच चुका है, तो स्कैल्पर के लिए तो बिल्कुल यहाँ पर लगभग 10 रुपये होने वाले हैं, 10 रुपये आपको स्कैल्पिंग के लिए तो एक बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रैटेजी है मूविंग एवरेज वाली। आप देख सकते हो यहाँ भी आपके सामने एक्यूरेसी ये प्रोवाइड कर रहा है, एंड देखिए अभी भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये मूविंग एवरेज तक पहुँचना बाकी है। एंड देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ करा था कि ये जो 200 का नीचे मूविंग एवरेज आप लोगों को दिख रहा होगा ग्रीन कलर का 200 का मूविंग एवरेज, वहाँ तक मार्केट के आने के चांसेस है, क्योंकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में वही एक सपोर्ट जो नियरेस्ट सपोर्ट है वो दिख रहा है। अब देखिए बैंक निफ्टी आ चुकी है लगभग 850 के आसपास, एंड हमारा 900 का जो स्ट्राइक प्राइस था वो जो सपोर्ट शो कर रहा है आप देख सकते हो 840 के आसपास वो अपना सपोर्ट शो कर रहा है, यानी कि अब हमारा मार्केट जो है सपोर्ट पर आ चुकी है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर अपनी कॉल के लिए अपॉर्चुनिटी को ढूंढेंगे, क्योंकि अब यहाँ से मार्केट के रिवर्स होने के चांसेस है। AOC टूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है, टेम्प्रोरी सपोर्ट लेवल, यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकती है। तो देखिए हम जो है ऐड कर लेते हैं 44,800 का जो कॉल का प्रीमियम है वो ऐड कर लेते हैं, और देखिए इस प्रीमियम का जो प्राइस चल रहा है वो लगभग 190-191 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। अब देखते हैं मार्केट यहाँ से रिवर्स करती है कि नहीं, ऊपर जाती है या नहीं, क्योंकि AOC टूल तो हमें यही बता रहा है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकती है। अब देखिए यहाँ जाकर अगर आप फिर से AOC टूल पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चेक कीजिएगा तो वो हल्का सा डिफर हो चुका होगा, वो यहाँ हो सकता है 48 से फिर घटकर 38 हो चुका होगा, या फिर 50-51 हो चुका होगा, तो इस तरह से वो डिफर करते रहता है, ऊपर नीचे करते रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको जिस वक्त भी परफेक्ट टाइमिंग मिले आपको वहाँ पर एंट्री के बारे में सोचना है। अब आप एक बार उसे देख लिया फिर एक घंटे बाद तक आप सोच रहे हो कि वही हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल, ऐसा नहीं, वो हमेशा चेंज होते रहता है, ऊपर नीचे करता ही रहता है। तो आपको उसके हिसाब से जब भी मार्केट उस लेवल के आसपास पहुंचे आपको तुरंत चेक करना है, एक एक मिनट में आपको उसे चेक करना है। देखिए हमारा जो निफ्टी था वो भी हल्का सा रिवर्सल दे रहा है ऊपर की तरफ, अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं तो भी हल्का सा रिवर्सल आ रहा है, और देखिए इसी पॉइंट से आ रहा है, जैसे ही वो मूविंग एवरेज का टच हुआ वहां से रिवर्सल आ रहा है। तो मेरी मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजी पर तो मुझे बिल्कुल भी शक नहीं है, एंड देखिए बैंक निफ्टी में भी रिवर्सल आ रहा है, और हमारा 191 का जो प्रीमियम था वो भी सिर्फ 194 ही हुआ, यानी कि 3 रुपये का लगभग हमें यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, सिर्फ 3 रुपये का, थोड़ा सा रिवर्सल होने के बाद भी 3 रुपये का। अब देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसा मैंने कहा था अभी 46 हो रहा है, 2 पॉइंट नीचे हो चुका है, तो ये जो है ये चेंज होते ही रहता है, हर एक मिनट हर एक सेकंड लगभग थोड़ा ना थोड़ा चेंज होते ही रहता है। अब देखिए एक और चीज़ जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा, आपको सिर्फ एक ही चीज़ के भरोसे, मैं जैसा हमेशा कहता हूँ एक ही चीज़ के भरोसे नहीं बैठना है कि AOC टूल ने मुझे बता दिया यहाँ पर सपोर्ट है यहाँ पर रेजिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग मैंने ट्रेड बना ली, एंड जो ये अब अगला टारगेट जो मुझे बता रहा है 100 पॉइंट दूर का वहाँ तक मैं बैठूंगा, या फिर 100 पॉइंट का जो लॉस है वहाँ तक मैं बैठूंगा, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना। अब देखिए मार्केट यहाँ पर है साइडवेज, अब साइडवेज मार्केट को सिर्फ AOC टूल के भरोसे आप अगर ट्रेड करोगे तो आप मैक्सिमम टाइम फंसोगे। आपको यहाँ पर अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पर ट्रेड बनानी है, लेकिन साइडवेज मार्केट में सिर्फ एक स्कैल्पर ही थोड़ा थोड़ा करके पैसा निकाल सकता है, आप बड़ी ट्रेड के लिए बैठ नहीं सकते यहाँ पर, क्योंकि फिर यहाँ पे गलती हो जाएगी। अब देखिए जैसे यहाँ पर बैंक निफ्टी 202-203 रुपये तक हमारा प्रॉफिट जा चुका है, यानी कि हम 191 पर हमने एंट्री बनाई थी, 10 रुपये का हमें लगभग यहाँ पर प्रॉफिट अपने प्रीमियम पर देखने को मिल रहा है। अब देखिए मैं वही चीज़ आप लोगों को यहाँ बता रहा हूँ कि मार्केट जो है साइडवेज है, तो यहाँ पर आप छोटे छोटे ही प्रॉफिट के बारे में फोकस करो, आप बड़ी प्रॉफिट के चक्कर में मत बैठो। आपको AOC कैलकुलेटर पर भरोसा करके ट्रेड लेना है, आप लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन आपको मार्केट के सेंटिमेंट्स को भी समझना पड़ेगा। अब अगर ऊपर एक आपको एक कोई बड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा हो, मान लीजिए यहाँ पर कोई बड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा होता तो मार्केट सिर्फ AOC कैलकुलेटर के भरोसे ही उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर नहीं चली जाएगी आपको 100 पॉइंट का टारगेट देने के लिए, मार्केट उस रेजिस्टेंस को भी रिस्पेक्ट करेगी, एंड मार्केट वहाँ से घूम सकती है। तो आपको सिर्फ एक चीज़ के भरोसे नहीं बैठना, आपको हर एक नॉलेज को अप्लाई करते हुए देखते जाना है। अभी यहाँ पर अगर कोई स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बन जाता है तो क्या मार्केट उसे रिस्पेक्ट नहीं करेगी? अगर वो नीचे की तरफ ब्रेक होगी तो बिल्कुल मार्केट उसे रिस्पेक्ट करेगी। तो आपको वैसे सिनेरियोस में छोटा प्रॉफिट या फिर छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर निकलना होगा, ऐसा नहीं कि आप 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस के लिए बैठ जाओगे, क्योंकि अगर आप सिर्फ AOC टूल के भरोसे चलोगे तो आपको वो 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस देगा, क्योंकि अगला जो हमारा सपोर्ट लेवल है वहां तक मार्केट में आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ये चीज आपको जानकर चलनी होगी, आपका स्टॉप लॉस उसके अकॉर्डिंग रहेगा,
या फिर आप अपना स्टॉप लॉस अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग शिफ्ट करो, क्योंकि अगला सपोर्ट लेवल है वहां तक हमारा स्टॉप लॉस जाएगा। एक सपोर्ट को अगर ब्रेक करिए मार्केट, तो हम अपने स्टॉप लॉस में अगले सपोर्ट लेवल तक बैठेंगे, यही हमारा रूल कहता है। लेकिन मैं जो है मैं यही सजेस्ट करूंगा अपने चार्ट के अकॉर्डिंग, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, सब कुछ के अकॉर्डिंग अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को पहचानिए चार्ट पर भी, एंड उसके अकॉर्डिंग अपना टारगेट एंड स्टॉप लॉस सेट कीजिए। जैसे यहीं पर आप देखो हमारा जो 10 रुपये 15 रुपये हमें यहाँ पर प्रॉफिट देखने को एक टाइम मिल रहा था, एंड फिर देखिए मार्केट ने रिवर्स करा और फिर नीचे जाने लगी, धीरे धीरे मार्केट नीचे जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मार्केट यहाँ पर साइडवेज है, वो एक डायरेक्शन में जा ही नहीं सकती, चाहे उसे कितना भी अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल जाए। जब तक कुछ अच्छे सिनेरियोज नहीं बनते या प्राइस एक्शन नहीं बनता, उस तरह का कोई कैंडल फॉर्म नहीं होता कुछ भी, तब तक मार्केट एक डायरेक्शन में नहीं जा सकती। इसलिए AOC टूल के भरोसे आप जो है ट्रेड कर सकते हो, बट उसके साथ आपको मार्केट सेंटिमेंट्स को भी देखना होगा एंड प्राइस एक्शन सब कुछ फॉलो करना होगा। जहाँ पर देखिए मार्केट अब शार्पली धीरे धीरे करके मार्केट नीचे जाना स्टार्ट कर रही है, तो अगर हम AOC टूल पर जाकर फिर से जो है अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को चेक करने की कोशिश करते हैं, तो ये देखिए 900 का जो मैंने क्लिक करा, तो ये देखिए 823 अब आपको नया सपोर्ट यहाँ पर शो हो रहा है, यानी कि हमारा जो पहले सपोर्ट था 848 वहाँ से अब सपोर्ट नीचे खिसक चुका है। तो ये तब होता है जब मार्केट में आपका जो सपोर्ट है वो कमजोर होता जाए। अगर मार्केट में आपका सपोर्ट कमजोर होता जा रहा है तो ही ऐसे सिनेरियोस आपको देखने को मिलेंगे कि आपका सपोर्ट नीचे की तरफ खिसकता जाएगा, वो धीरे धीरे और नीचे बढ़ता जाएगा, 23 से 18 हो जाएगा या 15 हो जाएगा। अगर ऐसे बढ़ता जा रहा है तो आपका सपोर्ट लेवल कमजोर है और वो ब्रेक होने के ज्यादा चांसेस है। एंड आप देख सकते हो यहाँ पर धीरे धीरे मार्केट वो नीचे की तरफ ही जा रही है। तो हमारा जो एक टाइम पर जो प्रॉफिट चल रहा था लगभग 12 रुपये 15 रुपये के आसपास हम लोगों ने प्रॉफिट अर्न कर लिया था, अब हम उससे जाकर अगर चेक करते हैं तो वो देखिए वो आप 188 रुपीज फिर से आ गया, यानी कि 3 रुपये हम लॉस में आ चुके हैं। फिर मार्केट धीरे धीरे कोशिश कर रही है ऊपर जाने की, लेकिन एक बार जो आपका सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो वो ज़्यादा चांसेस यही रहते हैं कि मार्केट उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। अगर हम जाकर फिर से चेक करते तो देखिए 191 रुपीज़ के आसपास ही जो है हमारा जो है प्रीमियम अभी भी चल रहा है, जितने पर हम लोग बाय करते लगभग वहीं पर मार्केट है, क्योंकि मार्केट भी आप देखिए तो उसी जगह पर ऊपर नीचे निफ्टी बैंक जो है वही जगह एक ही जगह पर ऊपर नीचे कर रही है। तो टाइम देखिए बहुत जा रहा है, जिसके कारण जो हमारा प्रीमियम भी नहीं बढ़ पा रहा है। और फिर मैंने एक कैंडल के बाद जब फिर से AOC पर सपोर्ट को चेक करने गया तो देखिए अब जो है वो सपोर्ट हमारा 16 हो चुका है, 1916 इसके आसपास लगभग हमारा अब सपोर्ट चल रहा है। तो पहले जो 848 था वो 848 से घटकर 830 हुआ, 825 हुआ, 23 हुआ, अब वो 16 हो गया। तो ये और हम जो है डिनोट कर रहा है कि सपोर्ट हमारा बहुत कमजोर होता जा रहा है एंड वो अब नीचे की तरफ ही मूवमेंट दे रहा है। तो इन सब चीज़ों को भी देखकर अगर आप फंस चुके हो तो अपने जो है ट्रेड से एग्जिट कर सकते हो, कि मार्केट का जो सपोर्ट है वो बार बार नीचे की तरफ ही खिसकता जा रहा था, यानी कि वो सपोर्ट कमजोर है, या फिर रेजिस्टेंस ऊपर की ओर ही खिसकता जा रहा है तो वो रेजिस्टेंस कमजोर है। तो आप इसके बेसिस पर भी अपने जो ट्रेड को है बीच में ही मॉडिफाई कर सकते हो और अपने छोटा सा लॉस लेकर एग्जिट कर सकते हो अपने ट्रेड से। हमारा अगर 44,800 का हम प्रीमियम चेक करते हैं, जो हमने 191 के आसपास बाय करने का सोचा था, वो देखिए 180 रुपीज़ चल रहा है, यानी कि लगभग 10-11 रुपीज़ का हमें इसमें लॉस देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं इस पर ट्रेड में रहता तो एग्जिट कर देता, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि वो सपोर्ट मेरा कमजोर है एंड मार्केट के वहाँ से रिवर्स होने के चांसेस बहुत कम है, और मैं यहाँ पर अपना 10 रुपये का या 11 रुपये का लॉस लेता एंड एग्जिट कर देता। तो देखिए आपको इस तरह से बीच बीच में मॉडिफाई करना होगा अपने ट्रेड को, एक ही चीज़ के भरोसे आपको बैठे नहीं रहना है, आपको सिचुएशंस देखकर अपने ट्रेड को मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब अगर आप यहाँ पर निफ्टी का चार्ट को देखो तो जैसा मैंने उस टाइम डिनोट करा था कि मार्केट के नीचे जाने के चांसेस है मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, आप देखिए मार्केट उस लेवल के आसपास धीरे धीरे पहुंचने की कोशिश कर रही है, और हमारा जो प्रीमियम हम लोगों ने देखा था लगभग 71 रुपीज़ के आसपास जो हमारा प्रीमियम चल रहा था, हम उसे भी जाकर अभी चेक करते कि वो कितना चल रहा है। लेकिन देखिए इसकी एक्यूरेसी कितनी अच्छी चल रही है, एंड देखिए हमारा जो प्रीमियम था जो लगभग हम उस वक्त बाय करते मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग 71 या 70 के आसपास, वो अभी 87-86 चल रहा है, यानी कि 17-18 रुपीज़ का लगभग 16-17 रुपीज़ का इसमें हमें प्रॉफिट अभी तक में देखने को मिल चुका है। तो देखिए इससे जो है मुझे नहीं लगता कि मुझे इससे ज़्यादा एक्यूरेसी किसी भी जो है स्ट्रैटेजी में दिखती है, तो स्कैल्पिंग के लिए मैं बेस्ट इसे प्रेफर करता हूँ और यूज़ करता हूँ। और जैसा कि आप सब जानते ही हो कि अभी मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही इस वीक में बहुत ज़्यादा साइडवेज बिहेव कर रही है, मंडे भी साइडवेज थी, ट्यूसडे भी ज़्यादातर टाइम साइडवेज थी। तो मैं जब भी AOC टूल को जो है लाइव मार्केट में टेस्ट करने के लिए बैठता हूँ तो स्क्रीन रिकॉर्ड करके मैं जब भी टेस्ट करता रहता हूँ वो इतनी ज़्यादा साइडवेज रहती है कि ना अपने सपोर्ट लेवल पर ना ही अपने रेजिस्टेंस लेवल पर जल्दी पहुंचती है, एक एक घंटे में वो अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंच रही है। तो ये टेस्टिंग बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो रही है, जिसके कारण मेरे पास तो उतना टाइम रहता नहीं है, क्लास लेने के बाद जो भी मुझे टाइम मिलता है मैं इसे टेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो इस वीडियो में तो एक ही एग्जाम्पल इस मुझे यहाँ पर मिल पाया, लगभग मैंने 2 घंटे तक रिकॉर्डिंग करी स्क्रीन की तब जाकर एक एग्जाम्पल मिल पाया। तो इसकी और एक वीडियो जल्दी ही आएगी आपके इसी चैनल पर मेरे आएगी,
जिस पर मैं दो तीन एग्जांपल जरूर शो करने की कोशिश करूंगा। मार्केट जिस दिन भी वॉलेटाइल होती है थोड़ा सा, मैं दो तीन एग्जांपल आप लोगों को शो करने की कोशिश करूंगा जिसमें एओसी टूल के अकॉर्डिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पर जैसे ही मार्केट आती है तो मैं उसमें अपने इस बार फंड भी ऐड करके रखूंगा, जिससे मैं लाइव बाय करके आप लोगों को दिखा सकूं कि इसकी एक्यूरेसी काम कर रही है या नहीं। तो कोशिश करूंगा इसी वीक वो वीडियो आप लोगों के ला सकूं। देखिए, मैं अगर प्रेफर करूं तो स्कैल्पिंग के लिए ये बहुत अच्छी रहेगी, आप इसके अकॉर्डिंग स्कैल्पिंग के लिए ट्रेड ले सकते हो। लेकिन अगर आप ट्रेड में होल्ड करना चाहते हो, बड़े बड़े प्रॉफिट, बड़े बड़े टारगेट बुक करना चाहते हो, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा सिर्फ इसके भरोसे आप ट्रेड मत लीजिए। आप प्राइस एक्शन को समझिए, प्राइस एक्शन देखिए, कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, सारा कुछ, ट्रेंड लाइन सब कुछ फॉलो कीजिए, देन जाकर आप अपने ट्रेड को उसके हिसाब से एग्जीक्यूट करके बैठने का प्लान कीजिए। साथ ही एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, ट्रेंड को जरूर फॉलो कीजिए। एओसी टूल के अकॉर्डिंग अगर ट्रेंड को भी आप इसके साथ कंबाइन करोगे, ट्रेंड को भी फॉलो करोगे, तो इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ती है। जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो मुझे डाउन ट्रेंड के लिए अगर कोई कॉल मिल रहा है, तो जैसे मार्केट रेजिस्टेंस के पास पहुंच रही है किसी, और फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में लेकिन किसी रेजिस्टेंस के पास थोड़ा सा रिट्रेस करके पहुंच रही है, और वहां पर मुझे अगर पुट साइड के लिए एंट्री के लिए कोई कॉल मिलता है, तो उसके लिए मैं ज्यादा कोशिश करूंगा इसके अकॉर्डिंग अपना बाय करने का। क्योंकि ट्रेंड के हिसाब से अगर आप एओसी टूल को कंबाइन करके चलोगे तो आपको एक्यूरेसी बहुत ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी इसकी। बाकी सजेशन यही रहेगा कि साइडवेज मार्केट में बिल्कुल भी एओसी कैलकुलेटर पर आप ट्रेड अभी के लिए तो अवॉइड कीजिए, एंड करना भी चाहते हैं तो छोटी छोटी स्कैल्पिंग 15-20 रुपए तक की स्कैल्पिंग के लिए आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक हमें अपने टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं करा तो जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ लाइव मार्केट में बहुत कुछ अपडेट होते रहते हैं जिससे आपको सीखने में, ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने में बहुत हेल्प मिलेगा। साथ ही वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो, थोड़ी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, तो इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, जो मैं कर रहा हूँ आप लोगों को पसंद आ रहा है, जिसके कारण मुझे लाइक्स मिल रहे हैं। तो वीडियो को अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, साथ ही कमेंट करके आप कुछ भी क्वेरी करना चाहते हैं मुझे पूछ सकते हैं, ऐसा शायद कोई कमेंट जाता है जिसका मैं रिप्लाई नहीं करता। एंड एओसी टूल की लाइव मार्केट की टेस्टिंग वीडियो एक और जल्द आएगी, जिस पर दो तीन एग्जांपल्स तो जरूर देखने को मिलेंगे विद लाइव ट्रेड के साथ आप लोगों को। तो चैनल पर बनी रहिएगा, साथ ही वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी प्रॉफिटेबल एंड ट्रेड करते रहिए।